अब हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर टू। कल कहां पर छोड़े थे? ये क्या बोलता है, हमको उसका आधा बात समझ में ही नहीं आता है। देखो आशु को देखा कितना धीमा धीमा वॉइस में बोला है। ओके तो चल रहा था चैप्टर यूटिलिटी थ्योरी पार्ट टू, ठीक है। अब की बार सीएम टू पढ़ाने का पैटर्न पूरा हो गया है चेंज, रिवीजन नोट नहीं कराएंगे। रिवीजन नोट में जो ऑलरेडी मेरे पास सम्स है उसको हल्का सा एडिट करके बढ़िया से उस पर थोड़ा पेस्टिंग वेस्टिंग करके, ठीक है, उसको हम तुम लोग को दे देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो बुकलेट में अगर मान लो 40 क्वेश्चन है तो जो जो क्वेश्चन मेरे पास में होगा वो सब हम डाल देंगे, और जो जो क्वेश्चन नहीं होगा वो सब हम क्लास में करवा देंगे। कवरेज मोटा मोटी सोच रहे हैं 2005 से लेकर के 2023 का IFOA का पेपर एंड 2019 से लेकर 23 का IAI का पेपर, तो ये कवरेज का सोचे हैं। अब हम कराएंगे क्या वो सुन लो, चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा ना वैसे वैसे पूरा इंस्टीट्यूट का मैट पूरा करा देंगे। हर मैट के पीछे में तुम्हारा देखेगा 10 से 12 क्वेश्चन है तो वो पूरा करा देंगे, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन में कुछ से प्रैक्टिस करना है, जो सैंपल का सैंपल मतलब क्या है 70% क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ होगा तो जो बनाया हुआ होगा वो दे देंगे, उसमें देखने के बाद भी जो डाउट होगा वो फिर हम करा देंगे, ठीक है। सो बेसिकली आइए, तो कल हम लोग क्या डिस्कस किए, सबसे पहले हमने सीखा इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस, रिस्क प्रेफरेंसेस हमने उसमें किया, नॉन सैटिएशन। देन व्हाट इज नॉन सैटिएशन, U-W इज ग्रेटर देन जीरो, इन्वेस्टर्स दे विल ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। सब लोग यही बोलेगा आजा पैसा आजा, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पैसा मत दीजिए मेरे को टेंशन होता है, ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद हमने सीखा अगर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होगा तो U-W लेस देन जीरो, न्यूट्रल होगा तो U-W इक्वल टू जीरो, एंड रिस्क सीकिंग होगा तो U-W ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद हमने देखा सर्टेनिटी इक्विवेलेंस, मतलब गैम्बल को अवॉइड करने के लिए कितना सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ को मैं एक्सेप्ट करूंगा, दैट इज बेसिकली सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। नाउ यस्टरडे वी डिड द सम, उस सम में हमने ये देखा कि बेसिकली गैम्बल का अकेले खुद का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो वो हमारा कुछ 2.5 पैसा के आसपास आया था। उसका मतलब ये है कि अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है उसको गैम्बल करवाना है तो इतना रुपए देना पड़ेगा, और ही इज विलिंग टू पे दैट मच अमाउंट टू अवॉइड द गैम्बल, ठीक है, यही था। उसके बाद में हमने देखा एक एब्सोल्यूट था और एक रिलेटिव था, ठीक है। तो आज के क्लास को चालू हम लोग उसी से करेंगे, ठीक है। लिखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड ARA एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, थोड़ा हाथ में स्पीड रखना नोट्स लिखाएंगे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन, ठीक है ना। मान लो अगर मेरा वेल्थ बढ़ता है, मेरे वेल्थ के बढ़ने से अगर मान लो मॉड ऑफ सीएक्स अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है ARA इंक्रीजिंग है। अगर मान लो मॉड ऑफ सीएक्स गिरता है तो ARA डिक्रीजिंग है। एक बार समझ लेना, सीएक्स मतलब क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेल्थ बढ़ा तुम बोलता है हम ज्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब अब तुम्हारा फट्टा ज्यादा है ना कम, ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है रिस्क एवर्जन, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन बढ़ गया, इसका मतलब कि अब तुम बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स हो गया, और ज्यादा रिस्क एवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में आएगा तुम्हारा सीई एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड रिलेटिव रिस्क एवर्जन। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा वेल्थ बढ़ा, ठीक है ना, तुम्हारा इस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो वेल्थ है वो बढ़ा एंड बेसिकली मॉड ऑफ CX by W अगर बढ़ता है तो RRA तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है, और यही अगर गिरता है तो RRA तुम्हारा गिरेगा, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको फटाफट से, डन, ठीक है ना। सो कल का टोन सेट हो गया है, थोड़ा बहुत रिकैप भी हो गया है। बेसिकली हम लोग को हर टाइप का यूटिलिटी से मतलब नहीं है, वी आर कंसर्न विद द इन्वेस्टर रिस्क प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेल्थ लेवल्स।
यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेल्थ लेवल्स, ठीक है ना। तो आओ एक फंक्शन देखो, फंक्शन देखो UW इज इक्वल टू LNW, ठीक है ना, UW इज इक्वल टू LNW। अभी हम लोग एक गैम्बल कर रहे हैं 100 में प्लस 20 माइनस 20, ठीक है ना। सो मेरा वेल्थ लेवल्स क्या आ जाएगा 120 एंड 80, यूटिलिटी लेवल्स क्या हो जाएगा ये दोनों, ठीक है ना। और इसका 50-50% प्रोबेबिलिटी है, ये होगा 50%, ये होगा 50%। तो तुम लोग निकालो, तुम लोग निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। तो ये क्या आएगा, एल एन दिस प्लस एल एन दिस होल डिवाइड बाय, बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, ऑनलाइन में बताइए फटाफट से आंसर कितना आ रहा है। हाँ 4.585। कल जो हम लोग सीखे थे, सो दिस इज नथिंग बट यू ऑफ सी डब्ल्यू, सर्टेंटी इक्विवेलेंट ऑफ द इनिशियल वेल्थ प्लस द गैम्बल। सो यू ऑफ सी डब्ल्यू इज व्हाट, एल एन सी डब्ल्यू विच इज 4.585। अब क्या करेंगे, सी डब्ल्यू इज व्हाट, ई टू द पावर 4.58, कितना आ रहा है बताओ, 97.98। तो मेरा सी एक्स क्या आ जाएगा, 97.98 माइनस 100, कितना आ रही है, माइनस 2.020, ठीक है। यही सेम गैम्बल है प्लस माइनस 20, मेरा वेल्थ लेवल क्या हो गया 100 से हो गया 200, मेरा वेल्थ लेवल क्या हो गया 100 से हो गया 200, ठीक है ना। अब दोबारा से सीएक्स निकालो, हम लोग यही तो कर रहे हैं ना, यहां पर देख लो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्थ अगर बढ़ता है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सीएक्स बढ़ता घटता है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एआर है, एंड अगर वेल्थ के परसेंटेज में बढ़ता घटता है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आरआर है। तो बेसिकली अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, ये सबका कॉपी हुआ, ये सबका कॉपी हो गया, कर लो पहले इसको कॉपी, ये लो कॉपी कर लो फटाफट से, ऑनलाइन में सबको मेरा वॉइस आ रहा है, यस नो फटाफट से बताइए। ठीक है फटाफट से करो इसको, पानी का बोतल भाई। सिद्धार्थ बनाएंगा, अब तुम क्लास में घुसो तुमको बनाएंगे, तुम्हारे पीछे जो मेहुल मित्तल, एक दिन क्लास में नहीं आएगा तो एक दिन घुसने नहीं देंगे, बात याद रखना। क्या होगा, एल एन 220 प्लस एल एन 180 बाय 2 इज व्हाट, एल एन ऑफ सी डब्ल्यू, है ना। तो सी डब्ल्यू मेरा कितना आ रहा है, बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, मुंह से कुछ बोलो तुम लोग, ये आशु तो क्लास में आता खाली बैठने के लिए, बोल कितना आ रहा है आंसर, इधर 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 इधर, लैपटॉप कहां है, हाँ तो लेके इधर इधर है, कैलकुलेटर कहां है, जवाब देगा इधर बैठ, देखा कॉपी में क्या किया, आंसर दे अब, 190.99। अब सीएक्स बोल, एक्चुअल में यही होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, पहले दो था अब एक हो गया, नहीं समझ रहे क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, पहले दो था अब एक हो गया ना, माइनस छोड़ो, माइनस छोड़ो, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करो, पहले क्या था दो अब एक, वेल्थ बढ़ा, वेल्थ बढ़ा तो होना क्या चाहिए, वेल्थ बढ़ा, अब बोलते हैं कल ₹2 प्रीमियम देने को रेडी था, आज क्या बोल रहा है ₹1 प्रीमियम देंगे, तो क्या हुआ उसका थोड़ा जिगरा बढ़ा, हाँ तो इसका मतलब क्या है, देखो वेल्थ बढ़ा, मॉड ऑफ सीएक्स गिरा, मतलब एआरए गिरा, ठीक है क्लियर हो गया, कॉपी कर लो इसको,
यही सेम चीज अभी हम लोग करेंगे, प्लस माइनस 20 अमाउंट था ना, अभी प्लस माइनस 20 परसेंट करेंगे, परसेंट, ठीक है ना। तो पहला वाला सेम रहेगा, पहला वाला सेम रहेगा, 100 में तो सेम ही रहेगा। अभी क्या करेंगे देखो, प्लस 20% माइनस 20%, अरे बोल क्या होगा, ln 240 प्लस ln 160 बाय 2 इज व्हाट, ln CW, CW बता फटाफट कितना है, घर से करके आया है क्या? हाँ ये घर से करके आया है पूरा, तो अभी नहीं कर रहा है तो चुप रहे, यहां से कर, CW बोल, जंक लग जाएगा तेरे दिमाग में। बोल कितना आ रहा है, हाँ ठीक है। अब मेरा बात सुनो, अभी हम लोग को निकालना है CX, एक मिनट सॉरी, यहां पर ही निकालेंगे CX, बोलो 195.96 माइनस 200, जल्दी बोलो, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे CX बाय W, दोनों केस में निकाल के बताओ कितना आ रहा है, सेम आएगा, चेक कर लो, पहले होगा पहले वाला जो CX है डिवाइड बाय 100, अभी वाला जो CX है डिवाइड बाय 200, दोनों केस में सेम आ रहा है, यस और नो, दोनों केस में सेम आ रहा है, यस और नो। इसका मतलब क्या है, वेल्थ बढ़ा, मॉड ऑफ CX बाय W इज कॉन्स्टेंट, मतलब रिलेटिव रिस्क एवर्जन इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, वेल्थ बढ़ा, पहले अगर 20% लगाते थे रिस्की एसेट में तो अभी भी कितना ही लगाएंगे, 20%, और अगर पहले 20% लगाते थे रिस्की में, अभी 20% लगा रहे हैं, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में रिस्की एसेट में जो लगा रहे हैं वो बढ़ेगा, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में रिस्क एवर्जन कम हुआ है, बट रिलेटिव टर्म्स में रिस्क एवर्जन सेम है, ठीक है। देख लो इसको, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रिस्क एवर्जन एंड यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। AW मतलब एब्सोल्यूट, माइनस U"W बाय U"W एक टाइप का मेजर है, ठीक है। RW इज नथिंग बट माइनस W इंटू U"W बाय U"W, ठीक है। इसको हम लोग एरो प्रैट मेजर्स भी बोलते हैं, लिख लेना एरो प्रैट मेजर्स, एरो प्रैट मेजर्स भी बोलते हैं, नाम है ठीक है। यहां पर आएगा तुम्हारा ARA, यहां पर आएगा तुम्हारा RRA, ठीक है। सुनो, तीन टाइप का चीज होता है, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे प्रूफ करेंगे, A-W ग्रेटर देन जीरो, R-W ग्रेटर देन जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, A-W इक्वल टू जीरो, R-W इक्वल टू जीरो, यहां पर क्या होगा बताओ, A-W लेस देन जीरो, R-W लेस देन जीरो, कुछ कॉमनली यूज यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे पावर यूटिलिटी फंक्शन, लॉग फंक्शन, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो ये सब अभी हम लोग करके डिराइव करके देखेंगे कि क्या आ रहा है इन्वेस्टर का प्रेफरेंस, ठीक है ना। मतलब बेसिकली वेल्थ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, हम लोग को वो चीज चेक करना है, ठीक है। आओ, ये हो गया क्या, करने के पहले एक चीज ध्यान में देना, सबसे पहले हेडिंग लगाना क्वाड्रेटिक, कुछ थोड़ा बहुत छूट जाए तो दिमाग इधर पे लगाना, ठीक है। ये पूरा एज इट इज तुम लोग को मिलते रहेगा,
कोई एक दिन मेल छूट गया तो दोस्त को कॉपी लेके कर लेना, क्योंकि हो सकता है पीडीएफ कोई को 80% सक्सेस रेट है हम लोगों का, बट 20% चांस में क्या होता है पीडीएफ उड़ा देता है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यूटिलिटी, यूटिलिटी फंक्शन, क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन। अब मेरा बात सुनना, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा एक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी यूटिलिटी क्या होता है, हम लोग को कंपेयर करना है ए बढ़िया है कि बी बढ़िया है, ठीक है ना। सो कंपैरिजन में अब एक चीज समझो, जब हम दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, जब हम दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हारा यहां पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ऐसे समझ लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ले लेके नाम ले ले क्या, एक मिनट रुको, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ये एक हुआ, एक और हुआ फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, कुछ ऐसा समझ लो। दो फंक्शन हमको कंपेयर करना है, दोनों में कौन सा बढ़िया है, या फिर किससे मेरे को ज्यादा यूटिल, सर पकड़ ले तू, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। सो ये दो फंक्शन है, मेरे को दोनों में कंपैरिजन करना है। तो अगर मैं मान लो दोनों में से ही पहले करता हूं माइनस थ्री, मैंने कोई एक कांस्टेंट समझ लो कि मैं माइनस करता हूं, फिर दोनों को ही मैं ये समझ लो कि डिवाइड करता हूं बाय फोर, ठीक है ना। तो जो भी कर रहा हूं दोनों तरफ कर रहा हूं, तो मेरे डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट आएगा क्या, सोच के देखो, सोचो पहले, पहले सोचो, जो भी कर रहा हूं माइनस प्लस इंटू डिवाइड दोनों में कर रहा हूं, तो क्या मेरे डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट होगा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। मेरे डिसीजन मेकिंग क्यों इंपैक्ट होगा, अगर मान लो इस फंक्शन से मेरा यूटिलिटी ज्यादा आ रहा है, तो मैं चाहे माइनस थ्री करूं चाहे डिवाइड बाय फोर करूं, जो भी कर रहा हूं दोनों में कर रहा हूं, ये करने के बाद में भी तो इसी फंक्शन से ना यूटिलिटी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, होता है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सी को हटा देते हैं, ठीक है, और पूरा इक्वेशन को बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये क्या बनता है पता है, अल्टीमेटली ये जो बन जाता है, जैसे ये तो हो गया, अब जैसे यू डब्ल्यू है, यू डब्ल्यू इज ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी, इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग लिख सकते हैं यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू स्क्वायर। चीज सोचो पहले तुम लोग, तुम लोग चीज सोचो, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, ये भी तो क्वाड्रेटिक है। तुमको क्या करना है, दो यूटिलिटी फंक्शन में कंपेरिजन करना है, दो क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन में तुमको कंपेयर करना है, चाहे कुछ भी यूटिलिटी फंक्शन में तुमको कंपेयर करना है। मान लो क्वाड्रेटिक वर्सेस लॉग, क्वाड्रेटिक वर्सेस पावर, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम दोनों तरफ कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हो तुम, उधर भी कर रहे हैं, तो हाउ डज इट मैटर ब्रो, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर, पहले हमको यह समझा दो। जब मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, जैसे मान लो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कितना कॉम्प्लेक्स है, तुमको मोड निकालना है गामा का, तो तुम क्या करता है, पहले दोनों तरफ क्या लेता है, लॉग, लॉग लेता है, फिर डिफरेंशिएट करता है ना, कितना बार किए हैं, लॉग ले सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट नहीं होता है उससे। चीज समझो, यहां पर मैं जो भी करूंगा दोनों तरफ करूंगा, तो ये जो मेरा वेल्थ लेवल है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसा लिख सकता है, क्यों लिख सकता है ऐसा, क्योंकि इससे मेरा डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, समझा। अब जैसे मान लो तुम इस फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएट करेगा, एक बार डिफरेंशिएट करते तो ये कांस्टेंट उड़ जाएगा, तो हाउ डज इट मैटर, ठीक है ना, क्लियर है। तुम दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो ये बी, ये एक बार डिफरेंशिएट करेगा ये उड़ गया, दो बार डिफरेंशिएट करेगा ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग ऐसा लिखे हैं, हम लोग को यूटिलिटी में एब्सोल्यूट वैल्यू से ज्यादा हम लोग को कंपैरिजन देखना है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक को ऐसा ट्रांसफॉर्म करके लिखे डब्ल्यू प्लस जी डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, मैं निकालूंगा यू डैश डब्ल्यू,
तो मेरा क्या आएगा बताओ, 1 + 2 DW एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन हमेशा अप्लाई होगा. प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन हमेशा अप्लाई होगा. नॉन सैटिएशन क्या बोलता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बट इससे एक लेवल नीचे जाएंगे. एक लेवल नीचे जाएंगे क्या निकालेंगे, U" W, तो U" W इज 2D, दिस शुड बी लेस देन जीरो, मतलब D शुड बी लेस देन जीरो. डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, 1 + 2 DW शुड बी ग्रेटर देन जीरो, 2 DW शुड बी ग्रेटर देन -1, DW शुड बी ग्रेटर देन -1/2. नाउ D इज नेगेटिव, डी को सोचो -0.5, जब दोनों तरफ से माइनस हटेगा, तो क्या होगा, साइन चेंज, ठीक है ना. जब मैं डी को इधर लेके जा रहा हूं, तो ऑटोमेटिक मेरा उधर में प्लस हो जा रहा है, तो साइन चेंज. तो दिस शुड बी व्हाट, डब्ल्यू इज लेस देन -1/2 D. कॉपी करो उसको. प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन हमेशा लगाएंगे, ठीक है ना. -1/2 D से कम होगा एंड लोअर तरफ में -∞. ये ऐसा क्यों कि यहां पर नोट में मैं लिख दे रहा हूं, एडिंग अ कॉन्स्टेंट, और मल्टीप्लाइंग बाय अ कॉन्स्टेंट विल नॉट अफेक्ट, द डिसीशन मेकिंग प्रोसेस. क्लियर है, ठीक है ना. यहां तक पहले फटाफट कॉपी कर लो. तो मेरा वेल्थ का रेंज क्या आ रहा है, -∞ से -1/2 D. अभी भी तुम लोग छोटा दिमाग का आदमी, तुम लोग अभी भी ये लग रहा होगा कि ये नेगेटिव है. भाई ये पॉजिटिव है, डी तो नेगेटिव है ना, समझ गया. इसके बाद में तुम लोग निकालेगा AW. सो AW कैसे निकालेगा, -U" W/U" W, यही था ना, लगा दो. इसके बाद में तुम लोग निकालेगा A-W, उसको डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर उसके बाद में तुम लोग निकालेगा RW और फिर निकालेगा R-W. चलो फटाफट से करो. सो जो AW जो आ रहा है, AW कितना आ रहा है, -2D/1 + 2DW. अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, वेल्थ के रेस्पेक्ट में. सो -2D तो भाग गया बाहर, 1 + 2DW^-1. सो -1 + 2DW^-2 और अंदर का फिर चेन रूल, तो करने से आएगा माइनस नहीं आएगा, 4D² / 1 + 2DW स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है. इफ A-W इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, इंक्रीजिंग ARA, मतलब और फटता है उसका, माने रिस्क एवर्जन और बढ़ गया है, ठीक है ना. RW निकालो, सो दिस इज -2DW/1 + 2DW. इसको U/V रूल से करना पड़ेगा,
तो जब करेगा तो आएगा माइनस टू डी बाय वन प्लस टू डी डब्ल्यू का स्क्वायर. सो अगेन दिस इज ग्रेटर देन जीरो. ऑब्वियस बात है, अगर एब्सोल्यूट में बढ़ा है, देखो बेसिक बेसिक रूल लगा लेना, अगर एब्सोल्यूट में बढ़ा है तो क्या रिलेटिव में गिर सकता है? सोच के देखो भाई, पहले तुम लगाता था 10,000 रुपये रिस्की में, अभी लगा रहा 5,000 रुपये रिस्की में, तो ऑब्वियस सा बात है ना भाई, परसेंटेज तो कम ही लगा रहा है. नहीं समझा भाई, अगर 10,000 रुपये पहले रिस्की में लगा रहा था, अभी 5,000 रुपये लगा रहा है, ये तो ऑब्वियस सा बात है भाई कि परसेंटेज तो कम ही लगा रहा है. तो जब एआरए बढ़ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आरआरए को तो बढ़ना ही पड़ेगा, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, वेल्थ लेवल डबल हो गया, तुम आरआरए 50% से 40% कर दिया, बट एब्सोल्यूट में तो कम हो गया ना, क्योंकि एब्सोल्यूट में तुम ज्यादा लगा रहे. 1 करोड़ से 2 करोड़ पहले लगाता था 50 लाख, अब लगा रहे 80 लाख, तो परसेंटेज टर्म्स में गॉन डाउन. हाँ नहीं, वही तो मैं तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहा हूं. तुम बोल रहे हैं आरआरए बढ़ेगा, आरआरए बढ़ने का मतलब क्या है? तुम्हारा जो परसेंटेज है, तुम 50% से कर दिया 40%. वेल्थ लेवल 1 करोड़, यहां पर 2 करोड़, तो यहां पर 50 लाख, यहां पर तुम लगा रहे 50 लाख, अरे यार, यहां पर तुम लगा रहे 50 लाख और यहां पर तुम लगा रहे 80 लाख, तो आरआरए गॉन अप बट एआरए गॉन डाउन. कॉपी करो उसको. अभी तक भी बहुत लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि 50 का 80 हो गया तो आरआरए गिर क्यों गया. भाई रिस्क एवर्जन गिरा है, मैंने रिस्की में ज्यादा लगा रहे UW इज LNW. चलो चालू करो, क्या क्या निकालेगा बताओ फटाफट से. U-W, U-W, चलो बताओ U-W क्या होगा, ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो अपने को क्या चाहिए, 1/W should be greater than 0 minus 1/W square should be less than 0. So ये कभी true होगा when wealth level is positive. When wealth level is positive, इसके बाद तुम निकालो AW. AW तुम्हारा आएगा 1/W. तुम निकालो A-W. A-W तुम्हारा आएगा minus 1/W square which is less than 0. फिर तुम निकालो RW. RW तुम्हारा आएगा 1 एंड R-W तुम्हारा आएगा 0. A-W लेस देन 0 मतलब क्या है बताओ, ARA क्या हो रहा है, गिर रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? ऑब्वियस सा बात है ना, पहले भी 50% और अभी भी 50%, वेल्थ लेवल डबल हो गया. तो पहले लगाते थे 50 लाख, अब लगा रहे 1 करोड़, तो परसेंटेज टर्म्स में कोई फर्क नहीं है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा लगा रहे हैं इसकी में, इसलिए रिस्क एवर्जन गिर रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में. W square is there, so wealth की negative value is possible. अभी तो मैंने बताया कि 1/W should be greater than 0, तो wealth का negative value कैसे possible है बताना मेरे को.
इफ 1/W इज पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो वेल्थ का नेगेटिव वैल्यू कैसे हो सकता है? तुम वेल्थ का नेगेटिव वैल्यू लगाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नोट लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगाओ, लिखो बराबर से लिखो। यूटिलिटी फंक्शन एग्जिबिटिंग कॉन्स्टेंट RRA, यूटिलिटी फंक्शन एग्जिबिटिंग कॉन्स्टेंट RRA इज सेट टू बी आइसो इलास्टिक। यूटिलिटी फंक्शन एग्जिबिटिंग कॉन्स्टेंट RRA इज सेट टू बी आइसो इलास्टिक। यूटिलिटी फंक्शन एग्जिबिटिंग कॉन्स्टेंट RRA इज सेट टू बी आइसो इलास्टिक, फुल स्टॉप। आइसो इलास्टिक मीन्स दैट द इलास्टिसिटी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। आइसो इलास्टिक मीन्स दैट द इलास्टिसिटी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ। आइसो इलास्टिक मीन्स दैट द इलास्टिसिटी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ। अगर RRA होगा तो आइसो इलास्टिक बोलेंगे। आइसो इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब तुम लोग खुद से करो। पावर, पावर यूटिलिटी फंक्शन। सो UW इज वॉट? W टू द पावर गामा माइनस वन बाय गामा। सो U-W क्या हो जाएगा? गामा W टू द पावर गामा माइनस वन बाय विच इज W टू द पावर गामा माइनस वन। U-W, वेरी गुड, ठीक है ना। इसको मेरे को नेगेटिव बनाना है। ये नेगेटिव तभी होगा जब गामा इज लेस देन वन। अबे एक्स यहां पर डब्ल्यू है, यू वाई वी क्यों लगाएंगे? ये रहा भाई, इसको कर रहा है भाई, ये तो कट जा रहे हैं यहां पर। यू वाई वी लगाया कैसे, हमको तो ही नहीं समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो जाएगा भाई। AW निकालो, माइनस गामा माइनस वन बाय W
ए डैश डब्ल्यू बताओ कितना आ रहा है, फिर आर डब्ल्यू निकालो और आर डैश डब्ल्यू बताओ। पेज नंबर 23 में एक क्वेश्चन है, करो उसको सॉल्व करो। 23 में एक क्वेश्चन है, 24 में एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे कृतिका तुम सो के आओगी क्लास में, ठीक है? क्लास में आके नहीं सोना है, सो के क्लास में आना है। प्राची तो बोल रही है अब ये जाए भांड में, हम अपना फोन चलाएंगे। ओ लैपटॉप, पेज 23। सपोज इन्वेस्टर ए हैज अ पावर यूटिलिटी फंक्शन गामा इज 1, व्हाइल इन्वेस्टर बी हैज अ पावर यूटिलिटी फंक्शन गामा इज 0.5। ठीक है, विच इन्वेस्टर इज मोर रिस्क एवर्स? ठीक है, विच इन्वेस्टर इज मोर रिस्क एवर्स? ये ना करके देख लो, कैसे करेंगे इसको? हाँ, इसको लगाओ तो एक बार। जैसे ये क्या आ रहा है तुम लोग का W माइनस वन, और ये क्या आ रहा है रूट W माइनस वन बाय, यही आ रहा है ना? ये करो तो एक बार इसका। जैसे ये तुम्हारा आ रहा है UW, ठीक है, यू डैश डब्ल्यू निकालो तो यू डैश डब्ल्यू कितना आ रहा है 1, एंड यू डबल डैश डब्ल्यू 0, यहां पर कितना आ रहा है? दिस इज यू डब्ल्यू, सो यू डैश डब्ल्यू कितना आ रहा है 2 इंटू हाफ इंटू डब्ल्यू टू दी पार माइनस हाफ। सही तो बोला, वो हंस रहे तुम लोग उस पर। अरे तुम कहां से देख रहे सारा आंसर नंबर? ठीक है, यू डबल डैश डब्ल्यू बोल, इसका तो क्या होगा? ए डब्ल्यू निकालेगा तो क्या आएगा? 0, और आर डब्ल्यू तो ये कौन सा इन्वेस्टर है? बोलना भाई, भाई रिस्क न्यूट्रल ही ना होगा, सब 0 है इसका। बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि इसका कुछ तो आएगा ना। हाँ, ये वाला जो इन्वेस्टर है ये क्या है? रिस्क एवर्स है। पार्ट टू देखो क्वेश्चन का। अरे तुम लोग इतना ना पेशेंस अपना लूज मत करो, ठीक है ना?
जो टाइम बोले उसी में क्लास होगा, अभी क्लास और बढ़ेगा, ठीक है ना। पेशेंस ऐसे लूज मत करो, थोड़ा घर से खाना वाना लेके आया करो और ग्लूकॉन डी हम पिला देंगे। सपोज दैट इन्वेस्टर बी हैज एन इनिशियल वेल्थ ऑफ 100 एंड इज ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू बाय इन्वेस्टमेंट एक्स फॉर 100 विच ऑफर्स एन इक्वल चांस ऑफ अ पे आउट ऑफ 110 और 92 विल द इन्वेस्टर बी चूज टू बाय द इन्वेस्टमेंट एक्स। सो एक बात सुनो, अभी वो अच्छा खासा खुश है कितना रुपए लेके, इन्वेस्टर बी का वेल्थ कितना है, तुम लोग करेगा ऐसा, हम नहीं करेगा। इन्वेस्टर बी का वेल्थ कितना है, 100। गैम्बल में बेमतलब का उसको फंसाया जा रहा है तो वो क्या चेक करेगा, अभी उसका सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ से यूटिलिटी कितना है और गैम्बल करने के बाद उसका यूटिलिटी कितना है, जिसमें ज्यादा होगा वो उसमें जाएगा, राइट। अब जैसे देखो U-W एंड U-W निकाल चुके हैं बेसिकली इससे, अब तुम लोग जब आगे करेगा तो ये रिस्क एवर्स में समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, हम लोग को यहां पर क्या बोला है, हम लोग को यहां पर बोला है अज्यूमिंग W इज ग्रेटर देन जीरो, सो इफ वेल्थ इज पॉजिटिव U-W इज लेस देन जीरो एंड दिस इज वॉट ग्रेटर देन जीरो, सो द इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स, हेयर द इन्वेस्टर इज रिस्क न्यूट्रल, ठीक है ना। इसका पार्ट टू में अपना आया था इन्वेस्टर बी का 2 into क्या आया था बताओ, 2 into √W-1 यही आया था ना, कर लो, दिस इज U-W, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ U-W फ्रॉम द गैम्बल क्या होगा बताओ, 2 into √110-1 + 2 into √92 है क्या, -1 whole divided by 2 कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करो और अभी का क्या है, करंट क्या है बताओ, करने से ही धन्य हिम्मत आएगा, 2 into √ बोलो, बाइंग एक्स इज अ हायर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी द इन्वेस्टर ऑट टू बाई इट, मैंने आगे कर भाई आगे कर, बैठने से कुछ नहीं होगा भाई, पहले ही बोल दे रहे हैं 5 घंटा दिन में पढ़ेगा तो ही होगा, ये ऐसा पेपर है ना, ऐसा चक्रव्यूह में पकड़ लेगा ना, 2 साल कहां निकल जाएगा समझ में नहीं आएगा, ये बात याद रखना मेरा, जो जॉब में है ना उससे पूछो बोलो कौन सा पेपर डिफिकल्ट है, CM2 CS2 कुछ नहीं बाबू, तभी तो नहीं पढ़ाता है इसको मैम, तो ठीक है इजी इजी पेपर सब मैम को दिए, CM2 निकाल लिया ना भाई, आएगा अच्छे दिन आएंगे। चलो इसके बाद पेज नंबर 24, नो बकवास, ओके। जैसे जैसे दिमाग बंद होते जा रहा है वैसे वैसे क्लास से निकलते जाना, अंत तक जो बचेगा। U-W इज -E^(-AW), ठीक है ना, क्या क्वेश्चन दिया है, सेम चीज करने बोल रहा है। चलो बोलो U-W बोलो E^(mx) है ना, M e^(mx), सो A e^(-U-W) बोलो -A²(e^-), ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला अपने को, A इज ग्रेटर देन जीरो, सो ये वाला क्या हो रहा है लेस देन जीरो, ये वाला क्या हो रहा है ग्रेटर देन जीरो। अब अपने क्या निकालेंगे इसके बाद, A-W A-W
फिर निकालेंगे आर डब्ल्यू आर डैश डब्ल्यू। चलो निकाल लो इसको। हेडिंग लगाओ। स्टेट डिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शंस। देखो जैसे जो सीपीए प्रीमियर लीग हुआ था ऐसे हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मेरा प्रेशर में हम परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो हंसना क्या है इसमें, अरे सच बोले मतलब ऐसे हम ठीक खेलते हैं, ऐसे प्रैक्टिस में मेरा ठीक शॉट लग जाता है, ठीक है। और ऐसे डेट्स आ गए हैं सेकेंड सीजन का, अब क्या हम लोग जल्दी करेंगे, सितंबर बारिश रहेगा क्या सितंबर में, सितंबर अरे एग्जाम के बाद ही ना करेंगे भाई ऑब्वियसली, मतलब सितंबर में, लेकिन मेरे को लगता है बारिश का सीजन रहेगा क्या, सितंबर में ही कर लेते सीजन टू, तुम लोग सब खेलेगा ना मतलब, ठीक है। तो स्टेट डिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, सो बेसिकली ये क्या है सर, क्या बनाए हैं, देखो एक समझ लो इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग क्या बोलता है, ये लोग बोलते हैं जब इंसान का जो रिस्क एपेटाइट है वो उसके स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो 200 करोड़ ये सॉल्वेंसी लेवल है एक बैंक ऑब्लिक एक इंश्योरेंस कंपनी का, ये सॉल्वेंसी लेवल है। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे वो इंसॉल्वेंट, इसके ऊपर वो सॉल्वेंट। कंपनी को घाटा होते 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 कंपनी पहुंचा 210 करोड़ पे, जस्ट अबव द सॉल्वेंसी लेवल, जस्ट अबव द सॉल्वेंसी लेवल कंपनी का नेचर क्या होगा, एकदम फट्टू, एकदम रिस्क एवर्स। क्यों, कंपनी नहीं चाहेगा कि एक रुपए भी फालतू का खर्चा करें, एक मात्र भी रिस्क ले, क्यों, हल्का सा भी कुछ भी गड़बड़ हुआ, ठीक है ना, एकदम रिस्क एवर्स। एक सौ नब्बे करोड़ चाह के भी नहीं बचा पाया, 190 करोड़ पे आया, अब क्या होगा पता है, रिस्क लविंग हो जाएगा वो। क्यों रिस्क लविंग हो जाएगा, बोलेगा अब क्या, अब क्या, अब देखो बस, वो और रिस्की बेट्स लेगा ताकि वो सॉल्वेंसी वाला स्टेटस को अचीव कर ले। तो स्टेट डिपेंडेंट है, जैसे मान लो तुम लोग का उम्र कितना है 20, मेरा उम्र है 28, तो तुम लोग चाहो तो अभी अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये मान लो भी शादी हो जाएगा 6 महीने बाद, तो और ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट डिपेंडेंट मतलब ये एग्जांपल तुम लोग नोट कर लो, देखो ना ये वाला क्या है, ये सॉल्वेंसी के जस्ट ऊपर वो क्या है, रिस्क एवर्स, और एकदम उसके नीचे क्या हो गया, रिस्क लविंग, ठीक है ना, ये देख लेना।
कल का सब लोग बैकअप देख लिया है ना? तुम लोग लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, ध्यान देना, पेज नंबर 29 पे आओ, ठीक है? ये क्या है, ध्यान देना, ये जो हमने को ये दिया, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बनाया ना, मैंने बोला ना कि मेरे भैया गए थे होम इंश्योरेंस कंपनी में, वहां बैठे, जब तक पैसा नहीं था तो वापस नहीं आए। तो चार टाइप का पेरिल है, ABCD, जो एक घर को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना? घर का दाम है 1 लाख, कोई भी टाइप का पेरिल हो, अगर ये पेरिल मेरे घर को लगेगा तो मेरा घर डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना? पेरिल से लॉस 100 लिखा हुआ है, मतलब 1 लाख, वर्किंग इन थाउजेंड्स है, पेरिल का होने का संभावना दे दिया है, और पेरिल से अगर बचना है तो प्रीमियम देना पड़ेगा 20, 40, 60, 80। पेरिल ABCD से अगर बचना है, जैसे अगर डी से बचना है तो 80, सी से बचना है तो 60, बी से बचना है तो, एक पेरिल का एग्जांपल लेते हैं सी का, ठीक है ना? अगर तुम सी का इंश्योरेंस ले लिया तो तुम्हारा, जैसे मान लो घर का वैल्यू है 1 लाख, मैंने तुम्हारा टोटल एसेट अभी कितना का है, 1 लाख का है, ठीक है ना? तो बोलता है कि तुमको सी से बचने के लिए 60,000 रुपए देना पड़ेगा। तो 1 लाख में 60,000 रुपए चला गया, 1 लाख में 60,000 रुपए चला गया, तो नेट नेट तुम्हारा कितना बचा, 1 लाख रुपया तुम्हारा प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब ये मत पूछना कि सर सी 60,000 रुपए कहां से आएगा, कैसे आएगा, मत पूछो। लोन लिया बट नेट नेट, समझो ना, बैलेंस शीट में 1 लाख का घर है और 60,000 रुपए का लोन है, तो नेट नेट वेल्थ कितना हुआ, तो 40,000 रुपए इसका सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ है, अगर वो इंश्योरेंस ले लेता है तो। लेकिन अगर गैम्बल कर लेता है तो क्या होगा, 1 लाख होगा वेल्थ, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, 70%, एंड जीरो होगा वेल्थ, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, समझा? अभी हम लोग को यूटिलिटी फंक्शन बनाना है, हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि 100, मतलब 1 लाख से मेरा वेल्थ है, मैंने यूटिलिटी है 1 रुपया, एंड अगर एकदम भी वेल्थ नहीं है, मतलब समझ लो जीरो है, तो उससे मेरा यूटिलिटी है 0। ये अज्यूम करके चल रहे, जो मैक्सिमम पॉइंट्स है 100 और 0, सो 100 पे इट इज 1 एंड 0 पे इट इज 0। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम 0 वेल्थ इज 0, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम 1 लाख इज 1, ठीक है ना? अब एक बात समझना, अब जैसे मान लो सबसे पहला जो पेरिल है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.05, ए का बात करो, ए का, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.05। सो यू 100, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एंड यू 0 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एंड दिस इज इक्वल टू द सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ जो मेरे को यू 80 से मिलेगा। एक्सीलेंट। इसके बाद बी का क्या होगा, यू 100 होगा, इससे कितना प्रोबेबिलिटी है, एंड यू 0 होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, यू सी का, यू 100 होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, यू 0 होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, तो यू, उसके बाद यू 100 होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, एंड यू 0 होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, इससे क्या होगा, समझा? यू 100 मेरे को पता है,
80-60-40-20 निकाल लेंगे, जीरो मेरे को पता है, सारा पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो मेरा यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा, सारा पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे मेरा यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ये 100 का वैल्यू क्या है, 1, इसका वैल्यू क्या है, 0, 1 0 1 0 1 0, सो अल्टीमेटली मेरा वैल्यूज क्या क्या आएगा, अल्टीमेटली मेरा वैल्यूज क्या आएगा बताओ, पहला वाला क्या आएगा, 0.95, फिर 0.85, फिर 0.7, फिर 0.5, सबको ज्वाइन करो फंक्शन बन जाएगा। ये देखो यहां पर जो बनाया, इसी का एक छोटा वर्जन एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, इसी का एक छोटा वर्जन एग्जांपल पेज 28 में दिया हुआ जो होमवर्क पे करना है, इसी का एक छोटा वाला एग्जांपल दिया हुआ पेज 28 पे जो घर पे करना है। माने जो एकदम मैक्सिमम वेल्थ होगा उसको 1 ले लो, जो एकदम लोएस्ट, देखो यहां पर 100 और 0 हो रहा है बट एग्जाम में हो सकता है 120 और 80 हो, मैक्सिमम वेल्थ को 1 ले लो, लोएस्ट लेवल वेल्थ को 0 ले लो। क्यों बोलो तो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो फंक्शन का शेप से मतलब है ना, जो यूटिलिटी फंक्शन है उसका शेप से मेरे को मतलब है, तो हाउ डज इट मैटर, तुम 1 के जगह पे 100 लो, तुम 1 के जगह में 50 लो, इट डज नॉट मैटर, वो शेप वैसा ही रहेगा उसका, ठीक है ना। आज घर में जाके क्या करोगे, तुम्हारा नाम कशक है ना, घर में जाके क्या करोगे आज, तुम सोओगे तो नींद तो आएगा नहीं तुम घर जाके, तो क्या करोगे फिर, तुम खाओगे, भूख लग रहा है, ठीक है, फिर तुम लोग टीवी भी देखता है क्या, सीरियल भी देखता है क्या, एक चैप्टर कराने में मेरा तो हालत थाई था, फीस हो गया एकदम। हाँ दो कहां कराए, डेरिवेटिव तो ऐसे ही है भाई, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, डेरिवेटिव अगर मैथ से पढ़ाना था तो खत्म ही हो जाता 4 घंटे में, तो उसमें मैथ में कुछ दिया हुआ थोड़ी है, डेरिवेटिव तो ऐसे ही है भाई। चलो लिखो, क्या बोल रहे हैं, हमसे पूछो ना, क्या पूछ रहे तुम लोग, डेरिवेटिव में टाइम लगेगा ये 15-16 क्लास, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी थ्रू इंश्योरेंस, मजाक कर रहे हैं, अभी टोन सेट हो रहा है, इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। आज तक कभी हम तुम लोग से झूठ बोले, मैक्सिमम प्रीमियम, ठीक है, ये क्या होगा, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। ये सब देखो, ये सब जो लिखा है सब लिखा दे रहे हैं, तुम लोग किसी और कोचिंग सेंटर का फिर कॉपी ऑपी देखेगा तो बोलेगा वहां देख फॉर्मूला लिखवा रहा है, यहां ये ऐसे ही पढ़ा रहा है, तो लिख भले ही लो, कुछ काम का नहीं है सब, ठीक है ना। सारा चटनी एक ही है, सर्टेंटी इक्विवेलेंस का ही चटनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो किए ना हम लोग कि खुला छोड़ेगा कि इंश्योरेंस लेगा, ये वही है, एक्सपेक्टेशन खुला छोड़ने का, एक्स इज द पेरिल, सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ से जो कट रहा है, X इज द पेरिल जो सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ से कट रहा है, एंड P इज द प्रीमियम, प्रीमियम दे दिया तो सर्टेन हो गया, नहीं दिया तो एक्सपेक्टेड, इंडिविजुअल का तो यही है। चलो देखो क्वेश्चन देखो, कंसीडर एन इंडिविजुअल पेज 31, कंसीडर एन इंडिविजुअल विथ अ यूटिलिटी फंक्शन रूट एक्स एंड करेंट वेल 15,000, अज्यूम दैट दिस इंडिविजुअल इज एट द रिस्क ऑफ सफरिंग डैमेजेस दैट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू 15,000, मतलब 0 to 15,000 में कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
देन द इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. देखो यूटिलिटी फंक्शन है यूएक्स इज रूट एक्स एंड जो डैमेज जो होगा करेंट वेल्थ कितना है 15,000 वर्किंग इन थाउजेंड्स की है ये लोग ठीक है वर्किंग इन थाउजेंड्स की है. सो ये देखो यू ऑफ ए माइनस एक्स सो रूट 15 माइनस जो डैमेज है ये यूटिलिटी होगा ना क्योंकि अभी अगर मान लो बाकी सबको छोड़ दें तो मेरा यूटिलिटी कितना है रूट 15,000. अब जो गैम्बल कर रहे हैं जो रिस्क ले रहे हैं बेसिकली ठीक है ना सो माइनस एक्स होगा 15 जो मेरा सेट जो मेरा इनिशियल वेल्थ है 15,000 माइनस जो मेरा पेरिल का जो है ठीक है ना. अब ये बोल रहा है कि ये तुम्हारा क्या है ये तुम्हारा क्या है अपने को ये निकालना था ना एक्सपेक्टेशन ऑफ यू ए माइनस एक्स ए यहां पर क्या है 15 एक्स के जगह पे एक्स ही है सो यू ए माइनस एक्स इज व्हाट यू ए माइनस एक्स इज व्हाट रूट 15 माइनस एक्स इसका एक्सपेक्टेशन निकाले सो दिस इज द थिंग. अब इंटू पीडीएफ विच इज 1/15 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 to 15 सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यू ए माइनस एक्स डीएक्स. सॉल्व करिए इसको कितना आ रही है. और एक चीज निकालेंगे यू ए माइनस पी इज व्हाट रूट 15 माइनस पी. नाउ दिस इज इक्वल टू यहां से जो आंसर आएगा पी निकालेंगे इतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो. अरे बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं 0 to 15,000 तक कुछ भी नुकसान हो सकता है. अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स देता तो इतना तुम लोगों को सोचने में दिक्कत नहीं होता. अगर यही बोलता लॉस 5,000 to 10,000 हो सकता है तो तुम लोग सिंपली कर देता 5,000 का लॉस मतलब वेल्थ 10,000 10,000 का लॉस मतलब वेल्थ 5,000 उसका फिर यूटिलिटी निकालता प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करता आंसर आ जाता. यहां कंटिन्यूअस बोल रहे हैं ना. आज ये लोग करा दे रहे हैं घर में जाके इसका बैक क्वेश्चन बनाएगा ठीक है कल इसका क्वेश्चन करेंगे. कल इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग. सॉल्व करो बताइए पी कितना आ रहा है प्लीज सॉल्व करो. ये न्यू एडिशन है मैट में ये न्यू एडिशन है मैट में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में. हम लोग जो पावर यूटिलिटी जहां पर खत्म किए ना उसके बाद स्टेट डिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम प्रीमियम मिनिमम प्रीमियम ये चार टॉपिक्स अगर एक क्वेश्चन नहीं है तो मेरा नाम बदल देना जो तुम लोग को रखना रख देना आपस में. इसके पहले का टॉपिक एक तरफ और उसके बाद का टॉपिक एक तरफ ये चार नया एडिशन हुआ सिलेबस में. बोलो हां 8.3 समथिंग आ रहा है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 833 समथिंग देने के लिए हम रेडी है. एक्सपेक्टेड लॉस क्या है 15,000 प्लस 0 / 2 सोचो एक्सपेक्टेड लॉस से भी ज्यादा प्रीमियम देने के लिए वो रेडी हो गया है. मतलब कितना फट्टा है उसका देखो ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम प्रीमियम ये पीडीएफ इनटू जिसका एक्सपेक्टेशन निकालना होता है एक्सपेक्टेशन इसका निकाल रहे हैं ना तो ये क्या है रूट 15 माइनस एक्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट 15 माइनस एक्स इज व्हाट रूट 15 माइनस एक्स इनटू पीडीएफ का इंटीग्रेशन. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट एक्स स्क्वायर इनटू एफ एक्स सो दैट एफ एक्स इज व्हाट 1/15 बिकॉज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट मिनिमम प्रीमियम ठीक है इंश्योरर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे सो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू ए प्लस क्यू
माइनस वाई इज वॉट यू ए। ठीक है, अब एक बात समझो, जो तुम्हारा क्यू जो है, क्यू इज द प्रीमियम, जो तुम्हारा पोटेंशियल लॉस है, दैट इज वाई। एक बात समझना, इंश्योरर के पास 1 करोड़ रुपए था, उसमें वो प्रीमियम ऐड किया विच इज क्यू, एंड जो भी पेरिल होगा उसको सहना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रीमियम लिया बल्कि पेरिल सहना पड़ेगा, तो ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एन इंश्योरर विथ इनिशियल, अब एक बात बताएं, वो कभी भी ऐसा सौदा नहीं करेगा जिसमें अगर वो ये देखो, अगर वो इंश्योरेंस बेच रहा है इसका मतलब क्या है, अगर वो इंश्योरेंस बेच रहा है इसका मतलब क्या है बताओ, अगर वो इंश्योरेंस बेच रहा है इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो, अगर वो इंश्योरेंस बेच रहा है इसका मतलब क्या है, अगर वो इंश्योरेंस बेच रहा है इसका मतलब क्या है, वो रिस्क अपने पे ले रहा है, वो रिस्क अपने पे ले रहा है, वो रिस्क ले रहा है वो तो ठीक है, मतलब वो गैम्बल कर रहा है, समझ रहे ना, वो गैम्बल कर रहा है। तो अब अगर वो गैम्बल कर रहा है तो वो ऐसा गैम्बल थोड़ी करेगा कि पहले उसका यूटिलिटी था 5, गैम्बल करने के बाद माने पैसा प्रीमियम का लेने के बाद और गैम्बल का जो भी देने के बाद उसका यूटिलिटी 4.5 हो गया, कभी ऐसा काम नहीं करेगा। तो मिनिमम का मतलब क्या है भाई, मिनिमम इतना तो रखो कि दोनों में यूटिलिटी सेम हो। इनिशियल वेल 2000 यूटिलिटी फंक्शन यूएक्स इज एल एन एक्स इज डिजाइनिंग अ पॉलिसी टू कवर डैमेजेस ऑफ 500 दैट ऑकर विथ प्रोबेबिलिटी 0.5। ए रिसांक, अभी पापा को फोन कर देंगे, समझा, फोन में हाथ क्यों दे रहा है, साइलेंट करके नहीं रहा है। पहले जब आया था ना इसका बाल भी छोटा था, ये भी छोटा था, इसका बाल हो गया खड़ा। इतना सा आया था, पता, इतना सा। ठीक है भाई, जो करना करो। इनिशियल वेल 2000 है, लॉग फंक्शन दिया है, डैमेजेस ऑफ 500 डॉट ऑकर विथ प्रोबेबिलिटी 0.5। इसका मतलब क्या है, डैमेज होगा 500 का 50% चांस है, नहीं होगा 50% चांस है। मिनिमम प्रीमियम निकालने बोल रहा, मतलब भाई हम सच बता रहे हैं, चोमू क्वेश्चन को कोई हद नहीं है। पता है तुम लोग को ये करा रहे ना, एग्जाम में कुछ और ही आ जाएगा, फिर तुम लोग बोलेगा वो तो करा ही नहीं। अभी माइनस वाई लिखो, क्यों बोलो तो, क्योंकि यू 2000 वो तो ठीक है, दिस इज एल एन ऑफ 2000, नाउ दिस इज इक्वल टू यू 2000 प्लस क्यू माइनस 500 इंटू 50% प्लस यू, बोलो, एक्सीलेंट माय बॉय, सो दिस इज व्हाट एल एन सॉल्व करो उसको। मैंने समझ रहे ना, क्या डाल देंगे, मतलब ये 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन 1500 प्लस क्यू, क्या बोला, जो बोले वही किया, फिर वैसे ज्ञान दे रहा, यही तुम उसको बोला ना, अरे वही कर रहे थे भाई, अभी हम डायरेक्ट कर दिए तो ठीक है, लेकिन फिर ये बोला सर ये यहां पर है, पावर में कैसे आया, तुम समझता नहीं है मेरा मेरा अवस्था। क्वेश्चन पक्का आएगा आज रात में, देख लेना,
मतलब ये जो 0.5 था ये पावर में कैसे आया, मतलब वो लोग को 0.5 यहां चाहिए क्योंकि टीचर यही सिखाया है, पावर सामने में आता है। फिर प्लस में क्या आएगा, ln 2000 प्लस क्यू log a प्लस log b, log a b, log log दोनों तरफ कट, सॉल्व करो उसको, बताओ कितना आ रहा है। ए आसू क्वाड्रेटिक आएगा q स्क्वायर प्लस 3500 क्यू माइनस 1000000। तो इधर आचार्य लगाएंगे, चलो चलो सॉल्व करो सॉल्व करो, क्या घर जाने करता है। कितना आ रहा आंसर, सब देख के किया, सब देख के किया तुम लोग, दिखा देखा इसका आंसर आया है नेगेटिव 3765, लेकिन ये आंसर क्या बोला मेरे को भाई, इसको तुम कैसे भी काट पीट ले। पहला आंसर क्यों नहीं आया, लिमिटेशंस देखो। एक बात बोले बुरा मत मानना, आज हम असल बात कर ही देते हैं, हम तुम लोग से 25000 रुपए मांगे तुम लोग को कितना खराब लगा। ये अगर किसी लड़की को पार्टी में लेके जाना हो, या फिर मान लो किसी लड़का को किसी लड़की को पार्टी में लेके जाना हो, तब तुम लोग पता जगह क्या चूज करेगा, सोबस ऐसी 3000 फॉर टू जस्ट इन वन आवर। जोमैटो देखा है, उसमें आता है ना कॉस्ट फॉर टू, 3000 फॉर टू, 2500 फॉर टू, तब तुम लोगों को बजट का याद नहीं आता है, अप टू 80 ठीक है, तब तुम लोगों को याद नहीं आता है। तो एक इंडिविजुअल बहुत सारा जो डिसीजन होता है ना वो रैशनली नहीं लेता है। जैसे मेरा घर पे सोचो, हम बोलेंगे कि मम्मी हमको ये PS5 चाहिए, ये करोगे, फालतू पैसा खर्चा करा है, ठीक है ना। ये मम्मी को बोलेंगे मम्मी शादी में तुम ड्रेस मत ले, मर्सिडीज में लेके आएंगे बहू को, मतलब समझ लेना। तो इतना सारा सेट्स ऑफ चॉइसेस है और सब में इन्वेस्टर का बिहेवियर बदल जाता है, तो एक यूटिलिटी फंक्शन में सबको कैसे कैप्चर किया जाए पहले ये बताओ। हम बोले मेरा यूटिलिटी फंक्शन ये है, ठीक है, या फिर मान लो मेरा यूटिलिटी फंक्शन ऐसा है, या फिर मान लो मेरा यूटिलिटी फंक्शन ऐसा है, तो इतना सारा हिसाब से इंसान अपने हिसाब से अच्छी को बदल देता है, ठीक है।
तुम घर से ये सोच के गया कि आज तुम बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेगा, तुम मॉल में शॉपिंग करने जा रहे, तुमको तीन चार चीज अच्छा समझ में आया, तुम ले लिया, तो वहां तो तुम रैशनली एक्ट नहीं किया, तुम गया था रिस्क एवर्स बन के, तुम इतना सारा सामान खरीद लिया। जब तुम पेड़ लगाएगा ना, तुम्हारा मान लो नुकसान हो गया 5-10 हजार रुपए का, शुरू में पहला 2 साल तुम उसको रिकवर करने के लिए ना और नुकसान करेगा, और जब तक 3-4 लाख रुपए बालेगा नहीं ना, तब तक तुम एक ट्रेडर नहीं बनेगा। ठीक है? वो लोग बंदर बाट खेल रही है, क्लास तो हो गया ना। ठीक है? तो बेसिकली एक जो इंडिविजुअल है वो बहुत सारा रिस्की चॉइसेस फेस करता है, एंड सब में उसका जो प्रेफरेंसेस होता है वो उसके मूड के हिसाब से बदलता है। ठीक है? एक सोचो, एक कंपनी है, जैसे मेरा कंपनी में मेरे बड़े भी हैं तो क्या हो, लेकिन मेरा बहुत झगड़ा होता है, शिवांगी से झगड़ा होता है, भैया से झगड़ा होता है, घर पे मम्मी से झगड़ा होता है, ताऊजी से झगड़ा होता है, सबसे झगड़ा होता है। अब मेरा जो फैमिली है उसका मेरे को यूटिलिटी का बनाना तो कोई हालत में नहीं बन सकता है, क्यों? इट्स अ बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है ना? एक इंडिविजुअल का ही यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, बट एक फर्म का यूटिलिटी फंक्शन, लेंडर है तुम्हारा, उसमें डेटर, क्रेडिटर, बहुत सारे लोग हैं जो तुमको पैसा दिया है। ठीक है ना? तुम्हारा कंपनी के एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, केएमपीज, रिस्क ऑफिसर्स, तो सबका तो अलग अलग है। तो एक फर्म इज अ, बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का मिक्स करके एक फर्म बनता है, तो वहां पर भी यूटिलिटी थ्योरी का लिमिटेशन आ जाता है। अब तुम मेरे को बोलेगा, सर हमको आपका यूटिलिटी फंक्शन बनाना है, आप अपने लास्ट एक साल में आप रिस्की चॉइसेस क्या क्या किए बताइए, जहां पर 2-3 आपको एक सेलेक्ट करना है, तो वो डेटा कैसे तुम निकालेगा? उसके लिए तुमको बहुत सारा डेटा चाहिए होगा ना, समझा? आज मेरे भैया इंश्योरेंस का पैसा ले लिए, बट कोई भैया से ये पूछा कि आप इंश्योरेंस का पैसा लेके किए क्या? कुछ नहीं, समझा? वहां पर उनको ये लगा कि भाई ये 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना तो जरूरी नहीं है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा, नहीं फाइन डाइन में भी उड़ा दिए। तो वहां पर तुम्हारा यूटिलिटी फंक्शन काम ही नहीं करेगा भाई, वो हैंग हो जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली इतना डेटा कैसे आएगा, फर्म में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, एंड एक इंडिविजुअल बहुत सारे रिस्की चॉइसेस का सेट्स को फेस करता है, तो सब में उसका प्रेफरेंस बदलता है, तो ये सब जगह में लिमिटेशन आता है यूटिलिटी थ्योरी का। ये 3 लिमिटेशन है, एक तो प्रेसाइज फॉर्म एंड शेप कैसे पता चलेगा यूटिलिटी फंक्शन का, दूसरा है फर्म का कैसे निकालेंगे, तीसरा है कि भाई तुम जो इतना सारा चॉइसेस जो करता है सब में तुम हो सके तो एक ही चीज फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना? आज मान लो पेरेंट्स अपने ऊपर कितना रुपया खर्चा करता है, 0। तुम बोलेगा मम्मी हमको कोचिंग के लिए पैसा चाहिए, बोलेगा तुमको जितना रुपया चाहिए तुम ले लो। आज एक लड़की आई थी, बोले सर मेरे पापा बोले एमबीए के लिए तुमको जितना रुपया चाहिए तुम ले लो, बट घर पे फाइनेंशियल बहुत टच चल रहा है। ये होता है? तो वहां पर तो रैशनली एक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सब लिमिटेशन है। ठीक है? तो ये लिमिटेशन है यूटिलिटी थ्योरी का। यहां हो गया ये खत्म, एक मिनट को। ठीक है? अब एक बार आओ इसमें पीछे में देखो, 8 क्वेश्चन है, ये तुम लोग बना के आएगा और ये कल हम लोग करेंगे सॉल्व, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है? चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं 2 बजे।